भाई जी, भाई साहब आप जो है नींद का जो बैक है एडजस्ट करता है सब चीजों के लिए, इसके पीछे क्या है, पैराबल क्या है, क्या कहानी है, कोई शॉर्ट स्टोरी मेरे को? नहीं कुछ नहीं है भाई, अगर मोदी जी जो है 18 घंटे काम कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं और हमें करना ही चाहिए ना। और जहाँ तक रही बात टाइम मैनेज की, तो ये आदत हो जाती है, अगर आप अपनी आदत को शुरू से ठीक कर लो तो हो जाती है। इसके पीछे मैं आपको एक छोटी सी दृष्टांत भी सुना सकता हूँ। जो कक्षा 9 में था, लगभग मेरी उम्र तब 13 साल थी, और मैं नया नया जो है पहाड़ से जो है थोड़ी सी शहर की तरफ, कह लो श्रीनगर में पढ़ने अपने बड़े भाई जी के साथ गया। तो मैं एक दिन विज्ञान की किताब खोल के बैठा हुआ था, लगभग 8:30 हो रहे होंगे, तो मुझे नींद के झोंके आ रहे थे, तो मेरी किताब चेयर से नीचे गिर गई। तो किताब नीचे गिरी तो एक कप होते थे वो टूट गया। तो मेरे भैया ने मेरे से पूछा कि क्या हुआ, तू पढ़ रहा था? मैंने कहा हाँ मैं पढ़ रहा था। तो क्या पढ़ रहा था? तो जो पेज खुला हुआ था उसने वहीं से मुझे पूछना शुरू किया, तो आवर्त सारणी वाला पार्ट खुला हुआ था, उसमें उसने मुझे पूछा कि कार्बन का संकेत बता। तो मैंने कार्बन का संकेत बता दिया सही, उसका प्रमाण क्रमांक भी बता दिया। लेकिन उसके आगे वो बढ़ा, जब वो ऑक्सीजन पे पहुंचा तो ऑक्सीजन मुझे आया नहीं, नहीं मुझे उसका परमाणु क्रमांक आया। तो उसने वो जो ऊपर चार्ट लगा हुआ था एक, उसमें एक डंडी लगी होती नीचे रोल सा, वो निकाला और उसने मेरे एक डंडी लगा दी। तो मैं फिर काफ़ी रोया। तो उस समय हमारे साथ कोई था नहीं, तो भैया और मैं ही थे, तो मुझे थोड़ी माँ की याद आई और मैंने भैया को बोल दिया कि मेरे को कल घर छोड़ दे, अब मैंने यहाँ पढ़ना ही नहीं है, मेरे साथ मैं वहीं अपना गाँव में पढ़ूँगा, उसी स्कूल में पढ़ूँगा। और फिर मेरे उससे एक तरह से कुट्टी सी हो गई, मैंने 2 दिन तक उससे बात नहीं की। फिर शनिवार को हम दोनों बिना बातचीत करे हुए दोनों बस में बैठे और घर आ गए, तो मैंने उससे घर में भी बात नहीं की। फिर उसने माँ को बताया कि ऐसे से हुआ और कह रहा कि मैं जाऊँ मैं नहीं तेरे घर पढ़ने। फिर मेरी माँ ने थोड़ा मुझे समझाया बताया, फिर मेरे को लगा कि वास्तव में यार जब मैं इतनी दूर जा गया हूँ पढ़ने तो मुझे पढ़ना चाहिए। और वो दिन था भाई जी, और तब मतलब मेरा दृष्टिपत्र मतलब थोड़ा सा चेंज हुआ, और तब से मतलब मेरी आदत हो गई कि मैं लगभग 2 बजे 1:30 बजे तक बैठ जाता हूँ आराम से, और कुछ ना कुछ करता हूँ पढ़ाई को लेके या कुछ और काम है। आज भी वो आदत है और मेरे को अभी तक किसी कोई दिक्कत आई नहीं कि नींद कोई बड़ी मतलब बाधा हो या आगे मुझे डिस्टर्ब करती है। कि जो दौरान जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर ये मैक्सिमम जो हम देख पा रहे हैं कि ये स्टेमिना नहीं है कि वो इतना देर तक पढ़ पाए, या उनको नींद की शिकायत रहती है, ये सब उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो अपने को मैनेज करें जिस हिसाब से कंपटीशन का जो ये युग है? जहाँ तक रही बात ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये हैबिट में लाने वाली बात, आदत अगर आप शुरू से ही अपनी आदत में ले आओगे तो ऐसा नहीं है कि आपको शरीर जो है साथ नहीं देगा। और इसमें कोई ऐसा भी बहुत बड़ी बात नहीं है कि मुझे खान पान ये सब चाहिए, क्योंकि हम भी ऐसे घरों से हैं जहाँ पहले ऐसे कोई खान पान को लेकर बहुत चिंताएँ रही, लोग बहुत हेल्थ नहीं खाते या बहुत जिसमें कैलोरी वाला खाना हो, ऐसा कुछ नहीं था, जो मिला हमने वही खाया। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ बहुत स्पेशल खाया, और बाय गॉड ग्रेस कह लो कि ऐसा कुछ नहीं है कि हमें मतलब अभी तक फिजिकली ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम है, और मैं नहीं मानता कि किसी और को भी आती हो। बेसिकली आपका खाना सिंपल हो और कह सकते हैं हाइजीनिक हो, और आप अपनी बॉडी को ट्रेन करो, बॉडी को कंट्रोल करो, तो आपकी हैबिट बन जाएगी। आज का बच्चा नहीं कर रहा तो यही है, उसको वो सब सुविधाएँ मिल रही हैं, तो वो जब सुविधाएँ ज़्यादा मिल रही हैं तो सुविधाएँ अवेल करने की उसे ज़रूरत नहीं है।